वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपके लिए आज से पर्यावरण अध्ययन की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कि कुल 1000 प्रश्नों को शामिल किया जाएगा और इन्हीं 1000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे टॉपिक को, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है ईवीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कवर किया जाएगा। और पर्यावरण अध्ययन के ये सभी 1000 प्रश्न यूपी टेट जो आगामी परीक्षा होने वाली है, सी टेट, एसएससी, रेलवे, सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से यूजफुल साबित होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की सीरीज़, यानी कि जो 1000 प्रश्नों की ये पर्यावरण अध्ययन की जो सीरीज़ होगी, इसका ये पहला वीडियो है। इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलेंगे, तो आप पूरा वीडियो कम्प्लीटली ध्यान से देखिए। इनमें सभी क्वेश्चन से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको समझ में आएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लाइकेंस किसके सबसे अच्छे सूचक हैं। तो देखिए क्वेश्चन को आप सबसे पहले अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए, इसके बाद ऑप्शन देखिए। यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप सभी क्वेश्चंस को अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बता सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि वायु प्रदूषण के। ठीक है, अब इसको जानते हैं कि लाइकेंस क्या होते हैं। तो देखिए लाइकेंस निम्न श्रेणी की एक ऐसी छोटी वनस्पतियों का समूह होता है जो कि विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए होते हैं और ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जहाँ पर भी वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर ये उगते नहीं हैं। इस तरह से जो बड़े नगर होते हैं उनके समीप ये नहीं पाए जाते हैं, तो इस तरह से ये सूचक होते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी लाइकेन पाए जाएंगे वहाँ पर वायु प्रदूषण की जो मात्रा है वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैंने आपको क्वेश्चन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बताई है, इसी तरह से हर क्वेश्चन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD किस प्रकार के प्रदूषण वातावरण का सूचकांक है। देखिए BOD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि BOD किस प्रकार के प्रदूषण वातावरण का सूचकांक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस तरह की वीडियोस में शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है वो है जलीय वातावरण में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जल प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई होती है BOD और इसके द्वारा हम पता करते हैं कि किसी निश्चित स्थान पर जल प्रदूषण कितना है, कितना कम है, कितना अधिक है। ठीक है, यानी कि BOD जहाँ पर बहुत ही अधिक होगा वहाँ पर जो मानक है, जो प्रदूषण का मानक है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, देखिए प्रदूषण में जो जल प्रदूषण है उसमें घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा अगर घट रही है, ऑक्सीजन की मात्रा अगर जल में घट रही है तो इसका मतलब जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो BOD है ये जलीय वातावरण का सूचक है, जलीय वातावरण में प्रदूषक का सूचक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गंगा नदी में किस स्थान पर BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि जो BOD है वो सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं कि हरिद्वार से कानपुर के मध्य BOD अधिक है, या कानपुर से इलाहाबाद के मध्य है, या इलाहाबाद से पटना के मध्य है, यानी कि सबसे अधिक प्रदूषण कहाँ है, यानी कि जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा की जो कमी है वो सबसे अधिक कहाँ है, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कानपुर से इलाहाबाद के मध्य। तो इससे पता चलता है कि कानपुर से इलाहाबाद के मध्य जो गंगा नदी है वो सबसे अधिक प्रदूषित है, क्योंकि जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम है, वो प्रदूषण की वजह से है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। आपको ये बताना है कि जल प्रदूषक कौन सा नहीं है। तो आपके सामने देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, जस्ता, तांबा, निकिल या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है तांबा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, या कि जो तांबा है वो जल प्रदूषक का काम नहीं कर सकता है, बाकी के जो ऑप्शन है वो जल प्रदूषक का काम करते हैं। राइट, ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्न में से कहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, यानी कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे अधिक आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण होता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऐसा कौन सा राज्य है वो आपको बताना है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, आप इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो इन 1000 प्रश्नों के माध्यम से आपकी जो पर्यावरण अध्ययन है वो बिल्कुल स्ट्रांग कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो जल प्रदूषण
प्रदूषण है उसमें आर्सेनिक की मात्रा अधिक है, ठीक है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी इलाका पश्चिम बंगाल में समाप्त होता है, जिसमें बांग्लादेश की पद्मा और मेघना नदियों का मिलाप होता है, तो वहाँ पर इस तरह का प्रदूषण सबसे अधिक पाया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चेर्नोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? प्रश्न को आप सबसे पहले अच्छी तरह से समझिए, इसलिए मैंने इस तरह का वीडियो का फॉर्मेट बनाया कि सबसे पहले आपको केवल क्वेश्चन मिलेगा, इसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन मिल गए हैं। तो जो चेर्नोबिल दुर्घटना है वो किसके कारण है, किससे संबंधित है, वो आपको बताना है कि नाभिकीय दुर्घटना है या फिर भूकंप या बाढ़ है या फिर अम्लीय वर्षा है, वो क्या है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नाभिकीय दुर्घटना, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये दुर्घटना क्यों हुई थी, कब हुई थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर से आपसे पूछा जाता है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 26 अप्रैल सन 1986 में इस घटना का इस घटना ये घटना हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, ये आपकी रूस में हुई थी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए कहाँ पर हुई थी, रूस में। और इसके कारण काफ़ी लोगों की वहाँ पर जान गई थी और ये रेडियो एक्टिव विकिरण के कारण हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे घातक धातु प्रदूषक कौन है? यानी कि जो वाहन होते हैं मोटर वाहन होते हैं उसमें सबसे अधिक घातक प्रदूषक कौन होता है, वो आपको बताना है। आपके सामने देखिए ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि लेड, ठीक है। इसमें जो लेड आंसर दिया गया है ऑप्शन बी में, ये सबसे अधिक घातक प्रदूषक होता है स्वचालित वाहनों में, ठीक है। लेड को सीसा भी बोलते हैं और ये कैडमियम के साथ अभिक्रिया करके बहुत ही घातक प्रदूषक उत्पन्न करता है। और पेयजल में अगर हम बात करें तो कैडमियम की अधिकता से इटाइटाई रोग भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यानी कि ऐसी नदी जिसमें बहुत अधिक प्रदूषण है और उसकी वजह से जैविक मरुस्थल उस नदी को कहा जाता है, तो वो कौन सी नदी है? आपके सामने देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि दामोदर, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो दामोदर नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो देखिए ये झारखंड के खमारपाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है और ये कोयला खदानों और औद्योगिक क्षेत्रों से बहती हुई निकलती है। तो इस तरह से वहाँ का जो प्रदूषण है वो इस नदी में बहा दिया जाता है, तो इस तरह से वो बहुत ही प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। और इसी वजह से ये जैविक मरुस्थल कहलाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक निम्न में से कौन है? यानी कि जो सिगरेट होती है उससे जो धुआं निकलता है उसमें से कौन से मुख्य प्रदूषक निकलते हैं? तो आपके सामने देखिए दो तरह के प्रदूषकों का समूह दिया गया है ऑप्शंस में, लेकिन आपको राइट आंसर बताना होगा कि निम्न में से कौन सा सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ये मुख्य रूप से सिगरेट के प्रदूषक होते हैं और ये वातावरण में बहुत ही अधिक प्रभाव डालते हैं। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य को इस तरह के बहुत सारे रोग होते हैं, आँख नाक गले में जलन होती है, कैंसर अस्थमा जैसे रोग इस इन गैसों की वजह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिए क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, जापान, नॉर्वे या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आपको आंसर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है और ये इसलिए होती है कि इसका जो दक्षिणी आधा भाग है वो भूमध्य रेखा के आसपास वहाँ पर सबसे अधिक ऐसा जोन बनता है इंडस्ट्रियलाइज एरिया होने की वजह से, इसमें नॉर्वे जो देश है इसमें सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? तो देखिए वायु प्रदूषण की रोकथाम की जो यंत्रीय विधियाँ हैं उनमें से एक विधि इसमें से नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने भी दिए गए हैं। देखिए जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं या फिर जो स्वचालित वाहन होते हैं जो वायु प्रदूषण का काम करते हैं, तो उनको उनका रोकथाम करने के लिए कुछ विधियां बनाई गई हैं। तो इसमें जो जो विधि नहीं है वो है ऑप्शन डी, यानी कि साइक्लोन डिवाइडर, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, ये तीनों आपकी वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस या फिर रोम।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लंदन, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है वो सन 1982 में ये जो संगठन बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, उसके बाद ही इस मुख्यालय का गठन किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नॉक नी संलक्षण किस प्रदूषक के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को आप सही से पढ़ सकते हैं, नॉक नी संलक्षण ये किस प्रदूषक के कारण उत्पन्न होता है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण नॉक नी संलक्षण उत्पन्न होता है। अब ये है क्या, ये देखिए मसूड़ों और दांतों में संरक्षण प्रदान करता है फ्लोराइड तत्व, ठीक है, और ये पानी में अल्प मात्रा में होता है, लेकिन इसकी जो अधिक मात्रा होती है इसकी वजह से हड्डियाँ और जो दांत हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, कमजोरी आती है, तो उसी की वजह से ये नॉक नी संलक्षण होता है और ये फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो इंपॉर्टेंट डेज है, दिवस हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 28 फरवरी या फिर 22 मार्च या फिर 5 जून या फिर 11 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि सन 1993 में पहली बार विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है गंगा प्राधिकरण के गठन के संबंध में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1985 में, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो गठन है उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी अध्यक्षता में 1985 में किया गया था, ठीक है। और 1995 में इनका नाम भी बदल किया गया था, उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी कि जल पुरुष कौन थे, तो आपके सामने ऑप्शन दिए गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण की दृष्टिकोण से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि राजेंद्र सिंह, ठीक है, राजेंद्र सिंह इसका आंसर हो जाएगा। तो इनको भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, इन्होंने कई नदियों को बचाने का काम किया और इन्होंने तरुण भारत संघ, एक गैर सरकारी संगठन की भी स्थापना की थी और इन्हें 2001 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेफ एक्ट कब लागू किया गया, तो आपके सामने इसके जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं, इन ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1977, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसका अपवाद है जम्मू कश्मीर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, पेयजल में संख्या प्रदूषण, संख्या क्या होता है वो आपको मैं आपको बता दूं, ये होता है आर्सेनिक, ठीक है, ये कहाँ पर सबसे अधिक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको पता ही होना चाहिए, ये आपका कोलकाता, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जल प्रदूषण सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में ही है और उसमें भी आर्सेनिक यानी कि संख्या प्रदूषण कोलकाता में है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, यमुना एक्शन प्लान निम्न में से औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 1991, बी है 1992, 1993 और 1994, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 में यमुना एक्शन प्लान का गठन किया गया था, शुरुआत इसकी की गई थी और इसकी यमुना एक्शन प्लान का जो प्रथम चरण था वो 1993 से 2003 तक कार्यान्वित रहा था, ठीक है, और इसका जो द्वितीय चरण था वो 2004 से प्रारंभ हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया आपसे निम्न से किसी दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो ऑप्शन है इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जो कि दक्षिण गंगोत्री को डिस्क्राइब करता है, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम अंटार्कटिक कैंप, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना 1983 और 84 में हुई थी, ठीक है, और भारत ने अपने जो दूसरे अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1988 में की थी जिसका नाम मैत्री था, जबकि तीसरे की बात करेंगे तो उसकी स्थापना 2012 में भारती नाम से हुई थी, ठीक है।
तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि 1000 क्वेश्चंस का एक पहला पार्ट है। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, राइट। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन से आपको बेनिफिट हो सके। और उम्मीद करते हैं आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।